दोस्तों प्याज के तीन पार्ट होते हैं। नंबर एक प्याज का, ये मेन प्याज है, ये इसका मेन पार्ट है, इसी को ज्यादातर यूज किया जाता है। नंबर दो पे इसका दूसरा पार्ट है, इसके पत्ता, वो हरे प्याज में जब इसका बीज लगा, बीज से छोटा सा पौधा बनता है, उसको लगाने के बाद ऊपर, पंजाबी में इसको फूंक बोलते हैं, फूंक को बीच में से फोड़नी होती है, तो उसको लोग तोड़ते हैं और इसकी चटनी बनाते हैं, दाल सब्जी में डालते हैं। और तीन नंबर पे इसके होते हैं बीज, तो बीजों में से तेल निकलता है, बिल्कुल साफ निर्गंध, जिसमें गंध नहीं होती। वो क्या काम करता है बीज, क्या काम करता है, क्योंकि तो बीज एक सेपरेट थिंग है, आम लोगों को पता ही नहीं कि प्याज का बीज भी कुछ काम करता है। प्याज का बीज बालों के तेल में यूज होता है, प्याज का बीज गंज नाश करता है, प्याज का बीज दंत के जो किरनी है, जो दंतों में कीड़ा लग जाता है, लोगों मानते हैं कि कीड़ा होता है, तो उसमें छोटी छोटी सी विधि है, तो प्याज के बीज अगर मठा के साथ पीस कर आधा चम्मच सुबह शाम खाना हो तो ये प्रमेह में काम करता है। ये प्याज सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने इसका रायता बनाया और खा लिया, बहुत सारे लोगों के जख्म हो जाते हैं, उस पर सूजन हो जाती है, अगर प्याज का पुलटस बोलते हैं हम लोग, वैद्य लोग, पुलटस कैसे होता है, आप इसको गर्म किया, उसको कूट लिया, उसमें तेल डाल दिया, हल्दी डाल दी, और अगर पकाना हो उसमें गुड़ भी डाला जाता है, तो नमक भी डाला जाता है, तो उसको बांध दिया जाए कि ये सूजन को कम करता है, अगर जख्म है तो उसकी सूजन कम कर देगा, अगर जख्म नहीं बना तो उसको ये पका कर फोड़ देगा, साफ भी कर देगा। तो बहुत लोगों में मैंने एक बात और जो देखी है, क्योंकि बहुत सारे लोग वैद्य होने के नाते हमें फ़ोन करते हैं कि बाबा जी मेरा पेशाब रुक गया, मूत्र रुक गया, वो क्यों रुकता है, इसके बीसों कारण है। अगर आपके अंदर बुखार है, आपको टीवी के लक्षण है, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की जरूरत है, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम है, आपका खान पीन ठीक नहीं है, आपकी सोच सही नहीं है, उससे भी इसकी प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग दिमागी तौर पे काम के बारे में सोचते रहते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है, उस पर अगर इसका लेप इस पेडू एरिए में किया जाए और इसको शहद मिलाकर, इसके रस को शहद मिलाकर पीने को दिया जाए, तो छोटी मोटी पथरी को तो ऐसे ही निकाल देता है, तो पेशाब को खोल देता है। और इसमें बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि इसमें संखिया और सिंगरफ जैसी जो पारे वाले योग हैं उनको भी सिद्ध किया जा सकता है। पर अगर कोई बंदा इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है तो वो किसी वैद्य से मिले, अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो मेरे से भी मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं उसको गाइड कर दूंगा। पारे का काम, जसेगन पे काम, जनसंख्य पे काम करना इतना आसान नहीं है, किसी की पढ़ी पढ़ाई और सुनी सुनाई बातों में नहीं आना। आगे मैं एक आपको बात और बता देता हूँ कि ये खुजली नाशक भी है, ये सौंदर्यवर्धक भी है, चेहरे की चमक भी पैदा करता है, और चेहरे की चमक ये लेडीज का मित्र भी माना जाता है, इसको औरतों का बहुत अच्छा मित्र माना जाता है, ये शरीर को स्ट्रॉल बनाता है, शरीर को ताकतवर बनाता है। मेरी बहनों को, बहुत सारी को कई बार डेट की प्रॉब्लम आ जाती है, कम आती है, दर्द से आती है, तो उनको इसका एक काढ़ा बनाना भी मैं बताता हूँ, वो मैं इसके गुण जब मैं इसके अपजोग बताऊंगा तो उसमें वो काढ़ा मैं जरूर बताऊंगा। आप आगे वाली वीडियो
उसमें संख्या को सेट करना और लेडीज को जो डेट को दर्द को ठीक करने वाली विधि है उसको जरूर देखें, आपको लाभ मिलेगा। ये इतना ही काम नहीं है, ये अग्निवर्धक है, दीपन है, पाचन। दोस्तों बहुत सारे लोगों में अभी जो मौसम आएगा बरसात का मौसम, उसमें बहुत सारे लोगों को चमड़ी रोग होते हैं, प्याज उस पर काम करता है। बहुत सारे लोगों के बाल तोड़ फिणसी होती है, प्याज उस पर काम करता है। पर मैं आपको एक विधि समझा देता हूँ, सभी लोग प्याज को जानते हैं और बाल तोड़ को भी जानते हैं। बाल तोड़ किसी न किसी को हो ही जाता है, वो लाल रंग की गोल सी सिंसी होती है, सफेद मुंह होती है, और आप जब उसको दबाओगे तो बहुत पीड़ा होती है। और कई लोगों के कच्छ पे और टांगों पे इस एरिए में अक्सर हो जाती है, तो उसका जो इलाज है, क्योंकि मैं रहा नहीं जा रहा मेरे से, मैं उसका इलाज आपको अभी इसी में बताता हूँ। अगर इसको प्याज को भून लिया जाए, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लिया जाए, उसमें थोड़ा सा तेल मिला लिया जाए, तो थोड़ा सा नमक भी मिलाना है। एक कपड़ा लेना है, उसके ऊपर रुई को लगा लेना है, और जहां पे बाल तोड़ हो गया रात को गर्म, ज्यादा गर्म नहीं, कहीं जला ही देना, गुनगुने से थोड़ा सा ज्यादा जो सह हो जाए ये चमड़ी, पहले लगाकर देखना। ऐसा नहीं आपने लगा दिया और बांध दिया, वहां जल जाएगा, दूसरे दिन माछ ऊपर उठ जाएगा। मान लो किसी की बाजू पे, किसी के इस एरिए में, तो उसको बांध कर रात को रख देना। अगर तो पका हुआ होगा तो उसकी पस निकल जाएगी, वो साफ हो जाएगा, दो दिन तीन दिन में सही हो जाएगा। अगर कच्चा होगा तो दो दिन में वो पक जाएगा, तीसरे चौथे दिन उसका निशान भी नहीं बचेगा। ये तो ये हुआ। एक आपको मैं बच्चों के बारे में बात बताता हूँ, प्याज गुण में जो बहुत विशेष है। जब बच्चा छोटा होता है, सर्दी के मौसम में बच्चों को ठंड लगती है, तो कई बार बच्चा रा 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 रा, माँ बाप को समझ नहीं आती, बच्चा रोता रहता है, तो उनका गला ठीक नहीं होता। और पंजाबी में पहले लोग जो बुजुर्ग थे, माताएं थी, जैसे मेरी दादी थी, तो मेरे पिताजी थे, माताजी थी, उनको क्या था, हम लोग भी अगर कोई हमारे पास केस आ जाए, जैसे मान लो ये हमने बांस का एक डक्का लिए, तो इसके ऊपर ग्रेसलीन लगाई, तो ग्रेसलीन से ऐसे जो तालू को, इसको पंजाबी में कौ बोलते थे, तो उसको उठा देते थे, तो बच्चा ठीक हो जाता था, उसके दूध भी पचता था, पेट भी साफ हो जाता था, और बच्चा भी तंदुरुस्त रहता था। आज किसी को बोलो कि कौ गिर गया, कोई तो ना पता नहीं कौ तो होता ही नहीं है, और जब मुंह ऐसे आप खोलोगे सामने जो है वो कौ ही है। अगर आपको बात ना समझ आए, बच्चे का गला खराब, खांसी, पेट खराब रहता है सर्दी के मौसम में, गर्मी में जो कम ही गिरता है, क्योंकि कफ से गिरता है, अगर किसी का सर्दी में गिर गया हो, तो आपने क्या करना है, प्याज लेना है, उसका जैसे मैंने बोला है उसको भून लेना है, उसको थोड़ा सा उसमें घी मिक्स कर लेना, पहले सिर पे घी लगा लेना, प्याज में भी थोड़ा घी डालकर गर्म कर लेना, यहाँ पे बच्चे का ये जो जो तालुआ है उस पर बांध देना है, रात को लगाना, सुबह खोल देना, और उस पर थोड़ा सा घी बांध देना, दो दिन में उसका कौ अपने टकाने पे आ जाता है। एक बात और प्याज की मैं जो बात बताना चाहता हूँ, कई बार अचनचेत कोई कुत्ता हमें काट लेता है, तो ऐसे समय में हमारे पास अगर कुछ भी ना हो तो हम प्याज को पीस कर भी लगा दें, तो कुत्ते के जहर को कम करने में हमारी मदद करता है। ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं, अगर मैं बताऊं तो पूरा दिन रात लगा रहूँगा। फिर भी दोस्तों, प्यारे बच्चों, मेरी बहनें, मेरे भाई जो भी हैं, सबको मैं एक बार फिर जो इन्होंने मेरे को टाइम दिया, थैंक्स बोलता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। गुरु जी उन पर कृपा करें, उनको आनंद दें, खुशी दें, मस्ती दें,
हमारे गुरु ने भी ऐसा ही आशीर्वाद दिया था। जो गुरुकुल परंपरा है, जो गुरु शिष्य परंपरा है, हमें तो गुरु ने सिखाया था। ऐसे बोलकर नहीं था सिखाया, जूते मार मार कर सिखाया था। आज बात समझ आती है कि दुनिया सीखती क्यों नहीं। दुनिया ज्ञानवान तो हो गई, ज्ञानी नहीं बनी। ऐसे नहीं बनते ज्ञानी जब तक गुरु के पास नहीं जाओगे। ये आयुर्वेद गुरु के बिना सीखने वाला नहीं है। पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी मदद करूँ। आपको सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहूँ।